हेलो गाइस, वेलकम बैक हाउ नो वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूंगा किस तरह आप गूगल एडसन का अप्रूवल ले सकते हैं वो अंडर 24 आवर्स या 7 दिन के अंदर अंदर। सबसे पहले आपके अपनी वेबसाइट को पूरा एनालाइज करना है। अगर आप अच्छी मतलब इनकम करना चाहते हैं आपके पास, फिर ही आपको गूगल एडसन का अप्रूवल मिलेगा। सो गाइस, अगर आपके पास अप्रूवल मिल भी जाएगा तो आप क्या करेंगे? आपको कोई अर्निंग नहीं होगी क्योंकि आपके पास ट्रैफिक नहीं है। काफ़ी चीज़ें और भी देखी जा सकती है। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का एनालाइज करना है कि आपकी वेबसाइट की लुकिंग स्पीड मतलब कि गुड लुकिंग है, स्पीड ठीक है, उसके पेजेस बने हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें आपने ऑलरेडी देख ली होंगी। क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा आपने कहाँ से टॉपिक लेना है और कैसे आर्टिकल लिखना है, ठीक है जी। एक वेबसाइट में हम लिख के आपको मैं अब बता भी दूंगा जो जो स्टेप करूँगा। आपने ChatGPT का यूज़ करके एक अच्छा सा आर्टिकल लिख लेना जो बेहद किस चीज़ से मैंने ली था ये वाला ब्लॉग। इसके में सारे आर्टिकल जो ऑलरेडी लिखे हैं वो मैं डिलीट कर दूंगा। जो चीज़ें आपको मैं बता रहा था, मेन आपने पेजेस देख लेने हैं। आपकी जो लाइट स्पीड होनी चाहिए वह मैं कि बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड मतलब आपकी ऑप्शन होनी चाहिए। जो जो भी यूज़र आए आसानी के साथ आपके मतलब पढ़ लें और जो मतलब कि पूरी वेबसाइट को एनालाइज कर लें। आपने टॉपिक कौन के यूज़ करने में ऑलरेडी बता अभी भी पहले भी बताया था, अभी भी आपने ये देख रहे हो तो वीडियो, क्योंकि मैं ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ फिर आगे पीछे वीडियो भी हो जाती है। सो गाइस, आपने जो भी टॉपिक है आपके हमेशा गेमिंग है, अर्निंग के बारे में, कोई भी है, जो आपको पास गूगल के सर्च के ऊपर ऑप्शन आते हैं पीपल क्वेश्चन या पीपल पर आस्क क्वेश्चन वाले, आपने स्टार्टिंग में वही चूज़ करने हैं। बिकॉज आपने वो चूज़ इसलिए करने हैं क्योंकि उस पर बहुत कम आर्टिकल है, वो आपके लिए अप्रूवल जल्दी मिलेंगे। जो AIPRM है, जो ChatGPT का एक्सटेंशन, आपने वो चूज़ करना है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यू होंगे, 100% यूनिक आर्टिकल वाला। आपने उससे एक यूनिक आर्टिकल लिखवा लेना है जो आपके लिए बहुत आसानी से लिख देगा, काफ़ी अच्छे का वर्ड। और इसको भी आपने कस्टमाइजेशन करें तो वो आपके अपने मुताबिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास इतना नॉलेज है आप खुद भी लिखना पसंद करेगा। सो अगर आपको गूगल एडसन का मतलब लेना है अप्रूवल, आपको ये चीज़ें प्रूव करनी है। अगर आपको 5-6 बार आपके यहाँ कंटेंट भी ठीक है पर आपको अप्रूवल नहीं मिला, दो स्टेप हैं। या तो आपने सारा कंटेंट डिलीट करके दोबारा डालें, जहाँ अगर वो उस कंटेंट आपने 20 आर्टिकल लिखे हैं मिनिमम, आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा 20+ आर्टिकल लिखें, उसके अंदर आपको लगता है ये वैल्यूएबल नहीं है वो कंटेंट या डिलीट कर दें वो आर्टिकल। सो जी, आपने सारा इसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए ये सारा कुछ। अगर आपने इसमें कोई कीवर्ड यूज़ करने हैं वो भी, बाय द वे जो एडसन की पॉलिसी वगैरह है उसमें कोई मेंशन नहीं है कि आपके पास इतनी ट्रैफिक होना चाहिए। भाई मेरे जो एक्सपीरियंस उसके मुताबिक आपके पास वेबसाइट में थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर आपके पास 20-30+ भी एक पर आर्टिकल पर ट्रैफिक है वो एक गुड ट्रैफिक मतलब होगी। या एक नियोन वेबसाइट है वहाँ से भी आप $1 के साथ काफ़ी मतलब कि लॉन्ग टाइम काफ़ी उसमें अप्रूवल कर सकते हैं। उसमें आपको डायरेक्ट ट्रैफिक मिल जाएगी जिसमें आप काफ़ी अच्छी मतलब कि ट्रैफिक आपको जैसे मिलेगी आराम से। अगर आप 700-800 विजिटर ले लें, ट्रैफिक का बेनिफिट आपको ये होगा कि वो आपके आर्टिकल इंडेक्स हो जाएंगे, गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाएंगे, वो ऑर्गेनिकली आ जाएंगे, फिर आपके लिए ज़्यादा डिफिक आसानी होगी कि आपको अप्रूवल मिल जाए। ये मेरी मतलब कि एक बहुत टेक्निक है क्योंकि मैंने इस तरीके से काफ़ी आर्टिकल कह रहा हूँ अपनी वेबसाइट प्रूव कराई है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं होंगे गूगल के मुताबिक, वो एक वैल्यूएबल कंटेंट नहीं होगा। अगर आपका वैल्यू कंटेंट है, कि अपनी वेबसाइट पूरी ऑप्टिमाइजेशन है, यूज़र फ्रेंडली, आपको गूगल 100% आपको अप्रूवल देगा। गूगल को ज़रूरत है ना आपको अप्रूवल देने की, क्योंकि अगर आपको अप्रूवल देंगी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, उनको अर्निंग होगी, वो क्यों आपको रिजेक्ट करेंगे। बेसिक चीज़ें आपने एनालाइज करनी है। और आपको बताता जाऊँ, जो भी गूगल एडसन का अप्रूवल मिलता है वो कोई पीछे रीजनल कोई ह्यूमन ही बैठा जो आपकी वेबसाइट को मतलब अप्रूव करता है। एक बोर्ड सिस्टम, आपने बोर्ड सिस्टम को पूरा एनालाइज करना है कि बोर्ड सिस्टम क्या क्या चीज़ें एनालाइज करके आपको एक वेबसाइट में अप्रूवल देता है, वो आपने सारी बाईपास करनी है फिर ही आपको अप्रूवल मिलेगा। क्योंकि बोर्ड आता है आपकी वेबसाइट को पूरा क्रॉल करता है, जो जो आपको उसमें डाटा दिया होता है वो एनालाइज करता है, उसके मुताबिक वो ठीक होता है, उससे फिर आपको अप्रूवल दे देता है। जो इमेज आपने लेनी है, अब तो जो AI चीज़ें हैं मतलब कि AI को मतलब कि इमेज बना देते हैं, वहाँ से भी कर लेते हैं। अगर आपने
गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड की है, उसने आपके क्या करना है, आपने कैनवा में जाके आपके कोई भी फोटो एडिटर है उसमें आपने अपने टाइटल का लिख देना है और डिस्क्रिप्शन का कुछ थोड़ी चीज़ लिख देने, क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर आपको आपकी इमेज भी पूरी मतलब कि यूनिक हो जाएगी, आपका कंटेंट भी यूनिक होगा। सो ये चीज़ें आपने बहुत माइंड में रख के करनी है, क्योंकि मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ तो फिर मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है। अगर आपको अभी तक भी अप्रूवल नहीं मिला, आप अपने रीज़न बता सकते हैं। मेन रीज़न आती है लो वैल्यू कंटेंट या पेज पॉलिसी वगैरह, कुछ इस तरह की ज़्यादातर आती हैं, वो आपने सिर्फ कवर करनी है, आपको बहुत आसानी से मिल जाए। आप 3-4 अपनी वेबसाइट में मेन्यू बना लें, उसमें हर पोस्ट के अंदर 6-6 7-7 आर्टिकल लिखें और यूनिक लिखें। यूनिक लिखने का ये नहीं मतलब आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लिखें, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। गूगल में हज़ारों आर्टिकल ऑलरेडी पड़े हुए हैं, गूगल को इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी जो नया फ़ोन आ रहा है उसके मुताबिक सारी उसकी स्पेसिफिकेशन, रैम, ये वो, उसकी मतलब के यूज़ के बारे में बता सकते हैं। आप एक हर फ़ोन के बारे में आप 5-5 आर्टिकल लिखें, आपको वो भी अप्रूव मिलेगा। अपकमिंग आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे कि iPhone 40 है उसके 50 के आना है, उसके फीचर लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, फिर आपको अच्छी मिलेगी। जैसे कोई लैपटॉप आया है उसका नेक्स्ट वर्जन बता सकते हैं, कोई वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की उसका आयो नेक्स्ट सीज़न आना है उसका बता देता है। एक आप कुछ टाइम आगे रह के काम करेंगे, फिर आपको 100% अप्रूवल मिलेगा, आपकी अर्निंग भी होगी। सो गाइस, ये सारी चीज़ें बेसिक थी, आपको अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई वो आपने ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी आपने अप्रूवल के लिए। और अगर आपका फिर भी अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, वीडियो को लाइक करें।